हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस सर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्र चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट होने वाला है, आज लास्ट लेक्चर है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 17 है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसके पे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर आइकन बटन पे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर 1 से लेकर 16 तक आपके लेक्चर मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ओके, तो चलिए देखो आज अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ये हमारा टॉपिक है, इसी पे बेस्ड बच्चों न्यूमेरिकल जो भी इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ओके, क्योंकि टॉपिक इतना लेंथी नहीं हमारा। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम से क्या मतलब है कि देखो घरों के अंदर कितने सारे अप्लायंस है जो अपन यूज करते हैं, चाहे फिर वो फैन हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, इन सभी को अपन यूज करते हैं। अब देखो कि हर एक अप्लायंस कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। अरे अगर आपके घर में, अगर तुम्हारे घर के अंदर अगर फाइव पर कोई फैन लगा रखे, अगर कोई से पूछ ले कि बता एक महीने बाद में इसने कुल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, तो क्या नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो देखो अगर आप फाइंड करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो बच्चों आपको क्या करना है कि वो जो अप्लायंस है, देखो जो भी अप्लायंस घरों में यूज किया जा रहा है उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, मतलब किस रेट के साथ में वर्क कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी जो आपको गिवन होगी। तो आपको क्या लेना है बच्चों, पावर लेनी है कि उस अप्लायंस की कितनी पावर है। अगर फाइव अप्लायंस है तो सारी पावर ले लो, सब पावर को ऐड कर लो, हर एक के निकाल के सबको ऐड कर लो। ओके, तो टोटल पावर लेनी है और आपको पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि देखो बच्चा आप लोगों ने इससे प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर पढ़ा होगा कि जो पावर होता है ना वो वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हो आप लोग। तो क्या यहाँ पर ये वर्क में फाइंड नहीं कर सकता क्या? मल्टीप्लाई करो तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा? P इनटू T हो जाएगा। अरे होएगा नहीं होएगा? होएगा ना यार, बिल्कुल होएगा यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर बनाया। तो सर ये एनर्जी वर्क, अरे यार जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो वर्क करेगा ना, कोई भी अप्लायंस कितना वर्क कर सकता है जितनी उसके पास एनर्जी। तो यही से फॉर्मूला ड्राइव हुआ बच्चों। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पावर तो देखो यही एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आपको वैल्यू यूज करते समय बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि अब तक जो अपन पावर की यूनिट यूज करते हैं बच्चों वाट यूज करते हैं। क्या यूनिट यूज करते हैं? पावर, वाट। मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ। देखो अगर बात की जाए ऐसा यूनिट ऑफ पावर की बात की जाती है बच्चों, पावर में शॉर्ट में इन शॉर्ट पी लिख रहा हूँ, तो पावर की ऐसा यूनिट की बात की जाती है बच्चों वाट होती है। क्या होती है? वाट। देखिए बच्चों अगर वही अगर बात की जाए कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की जब बात की जाएगी ना, तो आपको ध्यान रखना वो होती है किलो वाट होती है बच्चों। क्या होती है? किलो वाट। आपको याद रखना है किलो वाट है ना, स्मॉल क्या आएगा यहाँ पे किलो वाट। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसी तरीके से बच्चों अगर एनर्जी की बात की जाती है तो ऐसे तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल होती है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इससे लिख रहा हूं, तो वो क्या होती है बच्चों? जूल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तब आपको बहुत केयरफुली रहना बच्चों कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की जब बात की जाएगी ना, तो वो होती है बच्चों कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो क्या होती है कुछ बता देता हूँ। यही पे बात करना, ये अपन ये निकालना चाह रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की यूनिट क्या होती है। देखो पावर, अभी मैंने बताया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालनी है तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर यूज करनी पड़ेगी। पावर की कमर्शियल यूनिट क्या बच्चों? किलो वाट। तो यहां पर अपन लिखते हैं किलो वाट। ओके, टाइम बच्चों, टाइम को देखो, टाइम भी अपन जब कमर्शियल पर्पज से बात करते हैं, मतलब एक लार्ज स्केल पे, कमर्शियल मतलब एक लार्ज स्केल पे, अगर लार्ज स्केल पर बात करोगे तब अपन सेकंड में तो लेंगे यार। अरे घर में फैन कितना देर चल रहा है कि आप सेकंड में लोगे कि अभी 10 सेकंड चल रहा है, 20 सेकंड नहीं ना, अपन क्या करेंगे पूरा, अपन क्या लेंगे बच्चों पूरा आवर में लेंगे, अपन किस में लेंगे? आवर में। ओके चलिए, तो टाइम अपन लेंगे बच्चों आवर में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आवर। तो ऐसे में बच्चों जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बन के आई है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ये बन के आई बच्चों किलो वाट आवर। आवर ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन दे देगा कि भी किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, और ब्रैकेट में नीचे ऑप्शन दे देगा ए बी बना के, वहां पे एनर्जी भी लिख रखा होगा, पावर भी लिख रखा होगा, इसके अलावा और इसके अलावा आपके हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हो गया, करंट वगैरह हो गया, तो ऐसा कुछ बना के देगा। आपको ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर जाते हैं पावर प्ले कर जाते हैं इसको, लेकिन बच्चे देखना ध्यान रखना ये जो यूनिट है पावर की नहीं है बल्कि किसकी है? एनर्जी की है। किसकी यूनिट है? एनर्जी, आपको याद रखना। ओके चलिए, अब देखो बच्चों यहाँ पर तो ये हमारे पास मांगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि जब कभी भी आपको एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं अप्लायंसेस अगर उनको फाइंड करनी है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, पावर इनटू टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ओके,
पावर किसमें लोगे आप लोग, किलोवाट में लोगे, और टाइम किसमें लोगे, आवर में लोगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना, विशेष कर ध्यान रखना है। ओके, अगर वाट में नहीं दे रखा तो आप लोग किलोवाट में चेंज करना, 1000 से डिवाइड करके। तो देखो अब ये आ गया एनर्जी की यूनिट, आ गई किलोवाट आवर। अब देखो एक चीज ये भी है कि हमको पता है कि यार एनर्जी की यूनिट एक और होती है, जूल और होती है। तो बात आती है कि क्या ये भी एनर्जी की यूनिट है, तो क्या इस एनर्जी की यूनिट को अपन जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे करेंगे, अरे बहुत सिंपल है। किलो की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो ना, तो 1000 को अपन 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 1000 लिख रहा हूं मैं 10 टू द पावर 3। ओके ऑफ कोर्स लिख सकते हो। अब देखो बच्चों यहां पर वाट है, वाट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसी से देखो यूनिट बनाओ आप लोग। इस पावर की यूनिट क्या लिखोगे आप लोग, अगर उसको मैं यहां पर लिखूं, चलिए यहीं पे लिखते हैं। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वाट। डब्ल्यू यानी वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ये जूल। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड, या ऐसा यूनिट लिए अपन। पावर की ऐसा यूनिट वाट, टाइम की एनर्जी की ऐसा यूनिट यहां पे जूल, और टाइम की यूनिट बच्चों यहां पे सेकंड, पे सेकंड लिए। यानी कि जहां कहीं भी वाट लिख रखा ना, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकंड लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वाट लिखा ना, इसकी जगह लिख रहा हूं बच्चों जूल पर सेकंड, ये हो गया। अब देखो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ, आवर लिख रखा है। अब हमको पता है कि अपन एसआई में कन्वर्ट करना है, तो आवर को भी अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आवर में सेकंड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर आपको इतना पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भाई 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो गए, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो 1 आवर होता है बच्चों वो 3600 सेकंड होता है। यानी कि जहां कहीं भी आवर लिख रखा है, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, 3600। अच्छा इसको 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10 to the power 2 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। 36 into 100 लिख रखा है, 100 को 10 to the power 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। सेकंड से सेकंड को कैंसिल आउट करो, देखिए अब इसको आप सोल्व करो, 36 को एज इट इज रखो, 10 to the power 3 को 10 to the power 2। मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो एड होती है, तो बेस सेम है तो पावर को एड कर दो, यानी कि 10 to the power 5 ये जूल। तो देखो कैसे अपन ने एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि क्या ये सर ये आंसर सही है क्या, यहां तक देते हो, यहां तक आते हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों इसकी मतलब की और इसको करेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म आए, पावर की फॉर्म आए, तो उस केस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 10 की पावर के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है ना, यहाँ पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो नंबर हो ना वो क्या हो, मतलब 10 से छोटा हो, कम हो, 10 से कम हो, या हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कितना है, 36 है ना, तो 36 को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ बीच में एक डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल लगाते हो आप लोग तो क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। अब जब भी आपको डेसिमल लगाओगे ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पावर में प्लस एड करोगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, याद करने का, मैं कैसे याद रखा, मैं तो ऐसे याद रखा है कि भाई अगर यहाँ पर 36 लिख रखा है, यहाँ बड़ी वैल्यू है, अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर इधर छोटी हो रही तो इधर वैल्यू क्या कर दो, बड़ी कर दो। मैथमेटिक्स का रूल यार, एक तरफ घटा रहे हो तो दूसरी तरफ बढ़ा दो, एक तरफ मल्टीप्लाई करो तो एक तरफ डिवाइड कर दो, बातें हो जाएगी यहाँ पर सी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को अगर मैं छोटी कराऊं तो यहाँ पर बड़ी कर दे, तो कर दे बड़ा, तो कितने अब यहाँ पर मतलब ऊपर मिलाकर पावर में अपन को एड करना पड़ेगा। अब बात आती है कितना एड करें, तो कितने डिजिट पहले आपने डेसिमल लगाया उतना ऐड कर दो, तो 1 डिजिट पहले आपने डेसिमल लगाया तो 1 ऐड कर दो। इट मींस बच्चों जो हमारे पास जो एनर्जी बन गई ना वो 3.6 into 10 to the power 6 जूल, या फिर इसको ऐसे कैसे कह सकते हो, एनर्जी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये अपन ने कन्वर्ट किसको किया बच्चों, याद रखिएगा कन्वर्ट किसको किया अपन ने, कन्वर्ट किया किलोवाट आवर को, अपन किसको कन्वर्ट किया अपन ने, किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ये हो गया, बहुत ही इजी है। अब देखो बच्चों बात आती है कि यार ये कहीं पर हमने देखा है क्या, कहीं पर हमने प्रैक्टिकली देखा है क्या, देखा होगा बच्चे, नहीं देखा हो तो आज ही आपको देखना। अरे आपके घरों के अंदर जो मीटर लगा रखा होता है ना, मीटर के बाहर जो वो क्या बताता है, ये तो बताता ना कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो उस मीटर के बाहर देखना, वहां पर मीटर बोर्ड में लिख रखा होता है किलो वाट आवर, जो रीडिंग होती है ना, हम तो घरों में क्या कहते हैं कि भाई कितना यूनिट बिल आया, अरे वो जो यूनिट यूनिट अपन कहते हैं ना, यूनिट यूनिट चलाते हैं, तो एक्चुअल में जो किलो वाट आवर ही है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 unit इज इक्वल टू 1 kilowatt hour। अब वो मीटर बोर्ड पर यूनिट तो लिखा हुआ नहीं होता है, वहां पर लिखा होता है किलोवाट आवर लिख रखा होता है, और याद रखना कि जो किलोवाट आवर होता है वो यूनिट के इक्वल होता है, यानी 1 unit इज इक्वल टू 1 kilowatt hour। और अगर इसी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 into 10 to the power 6 जूल, यही है बच्चों ये आप इसने कन्वर्ट कर लिया। ओके
अब फाइनली बच्चों अगर आपके पास में तो एक तो तरीका ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम अगर क्वेश्चन आ गया ना ऐसा क्वेश्चन बन जाता है लास्ट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपसे ये पूछ ले कि भी कुछ अप्लायंस दे दिया पर आपको कह दे कि भाई इसके इलेक्ट्रिक पावर इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो करना कुछ नहीं है टोटल पावर निकाल देना टोटल पावर निकाल लेना टोटल पावर कैसे निकालेगा कि अगर तेरे पास में दो अप्लायंस है अगर दोनों की पावर सेम है तो क्या करना एक की पावर लेना और उसको टू से मल्टीप्लाई कर देना अगर फोर है तो एक के लेना अगर फोर सबकी पावर सेम है तब तो चारों को फोर से मल्टीप्लाई कर देना पावर तो पावर आ जाएगी वहां पे अब बात आती है सर अगर अलग अलग हो गई तो इसके अलग हो गई इसके अलग हो गई इसके सबके अलग अलग हो गई कोई दिक्कत नहीं सबको जोड़ दे तो पावर चाहिए ना यार टोटल पावर चाहिए तो टोटल पावर को क्या करते ऐड कर दे तो हमारा काम बन जाएगा ओके पर इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पावर ऑन लेगा वो पावर जो लेंगे अपन वो किस में लेंगे अपन लेंगे किलोवाट के अंदर किलोवाट में लेने के लिए क्या करेगा 1000 से डिवाइड कर देंगे इस चीज का ध्यान रखना अब रही बात अवर अब देखो अवर क्या देखो या तो हो सकता है कि वो आपको एक दिन का टाइम दे आपको अगर सिर्फ एक दिन का टाइम दिया और एक दिन के लिए पूछ रहा ना तो क्या कर ले वो एक दिन का टाइम ले लेकिन अगर जो कह दिया कि भी 30 दिन का बोल रहा है मतलब एक मंथ का बोल रहा है दो मंथ का बोल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है देख ले कि कितने दिन है जितने दिन है उसको उतने घंटे से मल्टीप्लाई कर दे अगर कह रहा है कि एक दिन के अंदर 8 घंटे अगर कोई अप्लायंस चल रहा है और कह रहा है कि बता 30 महीने मतलब 30 दिन बाद कितना होगा एक महीने बाद कितना होगा तो समझ आना उस 30 को उस 30 डेज को मल्टीप्लाई कर देना 8 से और आ जाएगा अब एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इजीली समझ आ जाएगा पहले तो सबसे पहले क्या करना है ये जो सामने लिख रखा ना इसका स्क्रीनशॉट लेना बढ़िया सा और इसको याद रखना एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो इसी पर अगर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वाली बात करें ना तो एनर्जी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपको करना क्या है एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यही वाली चीज है ना या तो ये वाला डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकता है नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का तो इजी फॉर्मूला बना के लिख रहा हूं मैं एनर्जी कंज्यूम तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे पावर तो पहले अपन क्या लेंगे नंबर ऑफ अप्लायंसेस नंबर ऑफ अप्लायंसेस कि कितने अप्लायंसेस है 4 है 3 है 5 है 6 है जितने भी है कोई दिक्कत नहीं नंबर ऑफ अप्लायंस ले अगर 6 है तो 6 ले देना 2 है तो 2 ले देना और इसको मल्टीप्लाई करना पावर से किससे मल्टीप्लाई करोगे पावर से ठीक है किसी भी एक की पावर ले लेना उससे मल्टीप्लाई अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो सबको ऐड कर देना नंबर ऑफ अप्लायंस इनटू पावर पावर किस में लोगे इसका ध्यान रखना किलोवाट में लोगे आपको किस में लोगे किलोवाट किलोवाट में कैसे चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर देना किलोवाट में चेंज आएगा और उसके बाद में फिर आवर टाइम अगर आवर लिख देना अगर एक दिन का आवर दे रखा ना तो आवर लिख दे अगर साथ में डे अगर ज्यादा दिन का पूछ रहा ना तो वहां पर क्या करते हैं डे से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि डे यानी डी यानी कि डे तो ये हमारे पास में एक और बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये चीज डालना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का पूछना तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस को मल्टीप्लाई करना पावर से और उसको मल्टीप्लाई करना आवर से अगर दिन दे रखे हैं तो दिन से मल्टीप्लाई कर देना एक महीना पूछा ना अभी वन मंथ देखो वन मंथ का कंफ्यूजन सर वन मंथ में अपन क्या लें अपन 30 ले या 31 ले तो देखो अगर कोई मंथ मेंशन नहीं कर रखा ना तो सीधा लेना 30 डेज लेना अगर मंथ मेंशन कर दिया तो उस मंथ के अकॉर्डिंग डेज लेना ओके बहुत ही सिंपल तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो अब मैं इस पर भेज एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तो देखो बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है एक न्यूमेरिकल करेंगे और मस्त वाला न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ओके मतलब एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पे बारी 100 तो ज्यादा हो गया एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर एटलीस्ट बारी हो गया कि मैं सारा कॉन्सेप्ट बच्चों इसी में कवर कर लूंगा इवन इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट वो भी यहाँ पे यूज कर लूंगा तो चलिए देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों आपके एस चांद का बुक एस चांद जो बुक है ना स्टैंडर्ड बुक उसका क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर From 220 volt supply, what is the cost of using the heater for 5 hours for 30 days if cost of one unit is 5.20 rupees? क्या कहना चाह रहा है? अरे आपको क्या दिख रहा है कि भाई एक कोई हीटर है, वो कितना करंट ले रहा है? 10 एम्पीयर करंट लेगा। वोल्टेज कितना पावर? वोल्टेज कितना है? 220 volt है। अब आपको कह रहा है कि बताओ कि कितनी कॉस्ट होगी? आपको कॉस्ट बतानी। कॉस्ट बतानी है किसकी हीटर की? जो कि कितने दिन के लिए कितना यूज किया जा रहा है? 5 घंटे यूज कर रहे हैं 5 घंटे यूज कर रहे हैं 30 दिन के लिए तो बताओ कि भी एक यूनिट का अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ इतना चार्ज एक यूनिट का चार्ज कितना 5.20 तो टोटल चार्ज कितना आएगा अरे सिंपल सा है तेरे पास में एक हीटर है तो दुकान पर जाकर हीटर लेकर आया हीटर घर में लगा रहा है उसको यूज कर रहा है एक दिन के अंदर 5 घंटे यूज कर रहा है और आपको बता दिया कि वो करंट जो लेता है करंट उसमें जो सप्लाई करता है वो कितने एम्पियर सप्लाई करता है 10 एम्पियर और वोल्टेज कितने घरों में पावर सप्लाई बोला जो वोल्टेज सप्लाई कितना होता है 220 वोल्ट होता है तो बताया कि अगर 5 घंटे एक दिन में यूज कर रहा है तो 30 दिन बाद तेरा उस हीटर का बिल कितना है मस्त क्वेश्चन करें देखो कैसे करें अब देखो अपन से पूछा रहा है कि भी कितना कॉस्ट आएगा तो कॉस्ट से पहले अपन ये तो पता चलेगा कि भी एनर्जी कितनी है अरे ये आपको कह रहा है कि यूनिट वन यूनिट की आपको कॉस्ट दे रखे
एक यूनिट की कॉस्ट दे रखे, अब टोटल यूनिट कितनी पहले वो तो पता चले, अब यूनिट कितना है इट मींस आपको जा रहा है कि भी एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है यानी कितने किलोवाट आवर यूज कर रहा है। तो अब एनर्जी कंजम्पशन का बच्चों कॉन्सेप्ट आ गया यहां पर कि एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया एनर्जी कंज्यूम का आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि आपको क्या करना है, टोटल पावर लेनी है और उस पावर को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। अब बात आती है कि सर यहां पर पावर है ना, तो क्वेश्चन में कहीं पावर ही गिवन नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, अरे यार अगर तेरे पास में अगर 10 एम्पियर दे रखा है, करंट दे रखा है, अगर वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज दे रखा है, तो क्या अपन पावर नहीं निकाल सकते क्या? अरे इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था पावर इज इक्वल टू तो बच्चों वी आई, ये फॉर्मूला याद रखते हो, कहीं पर भी कहीं किधर से भी कहीं से भी कोई भी फॉर्मूला आ जाता है, आपको सारे याद रखने, आपको जो फॉर्मूला है ना वो टिप्स पर याद रखना, हर फॉर्मूला टिप्स पर याद होना चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई, वी दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, अरे वी दे रखा है 220, आई दे रखा है 10 एम्पियर, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करके पावर नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते, मुझे 2200 वाट आ गया। तो क्या वाट अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम पावर लेंगे बच्चों वाट में नहीं लेंगे, बल्कि किसमें लेंगे? किलो वाट के अंदर। तो आपको क्या करना है, वाट को किलो वाट में चेंज करना होना, तो सिंपली 1000 से डिवाइड करना बच्चों, 20 से 20 कैंसिल करना, तो क्या आ जाएगा 2.2 किलो वाट। अब आगे बच्चों फाइनली हमारे पास में पावर आ चुकी है 2.2 किलो वाट, ये आ गया। टाइम बच्चों देखो टाइम, अब मैंने कहा ना कि जितने घंटे चलाना टाइम घंटे में लेना, जितने भी घंटे टोटल घंटे देख ले, कितने घंटे चल रहा है एक दिन के अंदर 5 घंटे, तो टोटल डेज कितने 30 डेज, अरे एक दिन में 5 घंटे चल रहे 30 दिन में कितना चलेगा? सिंपली क्या कर लो, टाइम को भी आप ले लेता हूँ, टाइम ले लेंगे बच्चों अपन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 5 3 15 और 150 आवर्स, ये 150 आवर आ गया, तो 150 आवर या बस मल्टीप्लाई करना, डेसिमल हटाओगे आप लोग तो अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल करो और इसको मल्टीप्लाई 15 2 30 15 2 30 30 और 3 33 ये 33, और यूनिट क्या आएगी बच्चों? किलोवाट आवर। अब आपको बताया मैंने कि जहां कहीं भी किलोवाट आवर लिख रखा है उसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? यूनिट लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 330 यूनिट, बिल्कुल लिख सकते हैं 330 यूनिट, ये लिख दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि भाई 1 यूनिट की जो कॉस्ट है ना वो 5.20 है, एक यूनिट की कॉस्ट है 5.20 है, तो बताओ कि इतने यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? है अरे मल्टीप्लाई करना यार, इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज कितनी है 5.20 है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, यानी 330 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? अरे मल्टीप्लाई करना है, तो 330 को मल्टीप्लाई करो 5.20 से, तो डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 100, तो 10 से 10 और सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल करो और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फटाफट कर देता हूँ, 156 सही है ना, 6 11 7 1 आई थिंक ये आएगा ना, अगर कुछ करेक्शन आता कमेंट करके 17 16 क्या आएगा? रुपीज, अरे रुपीज होगी। तो एक बार तो बच्चों आप जो हीटर लेकर आए ना दुकान से उसका जो चार्ज आ रहा है ना, कितना चार्ज आ रहा है? वो चार्ज आ रहा है 1700 आ रहा है, 1700 देखो एक हीटर हीटर इतनी लेकर जा रहा है यहाँ पर, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है, वो डिपेंड करता है पावर पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया बच्चों फाइनली आपका एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अब देखो एग्जामिनर आपको क्या क्या चेंज करवा सकता है आपसे, या तो ये कह सकता है कि भाई यहाँ पे एक हीटर की जगह आपको चार हीटर बोल देगा, तो क्या करना क्या है? पावर में चार से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया काम बन गया, ये तो करना। अब अगर वो कह दे कि एक अभी सबकी पावर सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वो कहते हैं दो हीटर है दोनों अलग अलग पावर के, तो कोई बात नहीं इस पावर इसकी टोटल, इन दो हीटर की टोटल पावर निकाल दे, इन टू हीटर की टोटल पावर निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो, वो टोटल पावर आ जाएगी और फिर उसमें 1000 के डिवाइड कर देना, किलोवाट आ जाएगा। तो वैसे ही है। तो ये बच्चों फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी, बहुत लंबा चैप्टर गया ये, आई थिंक 17 लेक्चर हो गए, लेकिन बच्चों यकीनन अगर आपने 17 के 17 लेक्चर देखोगे ना, बहुत बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चैप्टर कवर कराया गया है। वैसे एक बार पढ़ना जरूर आप लोग, एक बार पूरा पढ़ लेना, मजा आ जाएगा आपको। ओके अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर बच्चों अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के PYIQ, बहुत इंपॉर्टेंट PYIQ अपन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो ओके बाय बाय एंड टेक केयर, अरे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना अगर अच्छी लगी वीडियो, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, तैयारी करना जम के।